हाय, सो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा था दैट वाज बेल एप्लीकेशन, बेल प्रोसीडिंग्स। तो हमने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए और आए, कुछ बेल्स मिले, कुछ बेल्स नहीं मिले। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट कि बेल ऑर्डर होने के बाद में क्या। तो अभी नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब बेल हो जाता है एंड एडवोकेट को अप्रोच करते हैं, तो एडवोकेट का काम है, पहला वो हैज टू टेक आउट द डॉक्यूमेंट ऑफ बेल ऑर्डर। बेल ऑर्डर को पहला निकालना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है व्हाट इज द श्योरिटी अमाउंट, बेल बॉन्ड कितने का है, 5,000 का है, 7,500 का है, 15,000 का, 25,000 का, व्हाटएवर इट इज। अकॉर्डिंगली उनको क्लाइंट को बोलना पड़ता है कि भाई 15,000 का एक श्योरिटी या दो श्योरिटी लेके आओ। मतलब एक आदमी जो 15,000 कमाता है उसको ले आओ, या दो आदमी को ले आओ जो 7,500-7,500 कमाता है। इसीलिए हमेशा बेल ऑर्डर में बोला जाता है कि वन श्योरिटी और टू श्योरिटी। 15,000 का अगर बेल अमाउंट है तो आपको 15,000 का एक आदमी बुलाना है, या 25,000 का है तो 25,000 का एक आदमी बुलाना है। अदरवाइज अगर आपका 25,000 का एक आदमी नहीं है तो एक 10,000 कमाने वाला है, एक 15,000 कमाने वाला है, ऐसा दो आदमी को लेके आया हूँ। सो इनकेस इफ इट इज 50,000 तो 25,000 कमाने वाला 25,000 कमाने वाले को, या फिर कोई आदमी अगर 50,000-60,000 कमाने वाला है तो एक श्योरिटी आप ला सकते हैं। सो यू गेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर श्योरिटी, ऐसे श्योरिटी को लाना चाहिए। तो श्योरिटी को जब लेके आते हैं देन व्हाट हैपेंस, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट थिंग है कि उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है। देन कम्स द रेजिडेंशियल प्रूफ, उनका घर का क्या प्रूफ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनका जो सेल डीड है। देन थर्ड कम्स द व्हाट यू कॉल, टैक्सी ड्राइवर है या फिर बिजनेसमैन है तो उनका आईटी, अगर टैक्सी ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर है तो उनका परमिट का डॉक्यूमेंट्स, अगर बिजनेसमैन है तो उनका आईटी डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब चीजों को लेकर प्लस अलोंग विद दैट 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर श्योरिटी के लिए कलेक्ट करना है। देयर आफ्टर हर कोर्ट में जहाँ पे वो ऑफेंस ट्रायबल है वहीं पे श्योरिटी का फॉर्म्स अवेलेबल है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में यू हैव टू फिल इन द श्योरिटी फॉर्म्स, और अक्यूज के लिए फाइल करना है, श्योरिटीज के लिए फाइल करना, एक है तो एक, दो है तो दो के लिए फाइल करना है। दो को फाइल करने के बाद में यू हैव टू ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज, अगर अक्यूज का अगर सिग्नेचर लेना है तो वो वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट दी वकालतनामा फ्रॉम दी जेल, जेल से लाने के बाद में उसको अफेक्स करके कोर्ट डिपार्टमेंट में आपको देना पड़ता है, या फिर आपको दी कोर्ट ट्रायबल जो भी है उधर आपको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद में कोर्ट विल सेंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द श्योरिटी फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा, अक्यूज का भी और श्योरिटी का भी। इन लोग ने जो भी एड्रेस जो दिया है वो एड्रेस बराबर है या नहीं है, और वहाँ के रेजिडेंट लोग है या नहीं है, या फिर कितने साल से वहाँ पे रहते हैं, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक रिपोर्ट बनाया जाएगा और एक लेटर बनाया जाएगा, एंड दैट लेटर विल बी सेंड टू दी पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो श्योरिटी जहाँ पे रहता है, जहाँ पे ऑफेंस का कमिट हुआ है। ऑफेंस एक पुलिस स्टेशन के में हुआ होगा लेकिन श्योरिटी कोई और पुलिस स्टेशन में रहता है, तो वो पुलिस स्टेशन में जहाँ पे श्योरिटी रहता है उसका जो नियर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन लिए भेजते हैं। ना दो श्योरिटी है कि दोनों का अगर पुलिस स्टेशन अलग अलग है तो अलग अलग जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भेजा जाएगा, एंड वो भेजने के बाद में कम से कम एक वन वीक आफ्टर 7-8 दिन के बाद में ही 7-8 दिन के अंदर ही पुलिस वेरिफिकेशन करता है, एंड देन पुलिस सबमिट्स अ रिपोर्ट टू दी कोर्ट कि भाई हमने पुलिस वेरिफिकेशन किया है वो सही है। अगर सही है तो सही बोले, नहीं है बोला तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सही है बोला कि हाँ बाबा ये सही है,
एंड जो जो एड्रेस दिया वो सही है एंड द शॉट इज अ जेन्युइन, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, फॉल्सहुड नहीं है, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड. उसके बाद में द ऑनरेबल कोर्ट जो है वो श्योरिटी को एग्जामिन करेगा. श्योरिटी से ये पूछेगा, उसका पूरा पर्सनल डिटेल्स ओरली पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो, कब से रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कितना इनकम है, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो सब ओरली पूछा जाएगा. उसके बाद में पूछा जाएगा कि ये आरोपी के साथ में आपका रिलेशन क्या है, इनको पहचानते कैसे है और कब से पहचान है. सो नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट वेरी क्लियर बताना चाहूंगा कि हर एक एडवोकेट का फर्ज ये बनता है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू मेक द श्योरिटीज अंडरस्टैंड. श्योरिटी को ये बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि आपका जो रिलेशनशिप है, आप वाकई में उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो भी रिलेशनशिप है वो आपको सामने सामने बोलना पड़ेगा. कुछ श्योरिटीज ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं तो वो गलत बोल जाते हैं, कुछ जो जेन्युइन है लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको एडवोकेट ने बताया नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो फंबल करते हैं और फंबल कर दिया तो फिर कोर्ट को लगता है कि ये इज नॉट अ जेन्युइन श्योरिटी, यानी कि ये एक्चुअली उसको जानता ही नहीं है, एक्चुअली उसको जानता ही नहीं है, तो फिर हाउ कैन ही टेक द गारंटी द कस्टडी ऑफ द अक्यूज, कि ये कैसे आप दावा कर सकता है, तो रिजेक्ट हो जाता है. सो श्योरिटीज को ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, उस चीज को सामने सामने निडर होकर, क्योंकि आप श्योरिटी है, कोई आरोपी नहीं है, ये कोर्ट है, डरने का कोई बात तो है ही नहीं, आपको जो बोलना है वो ओपनली आप बोल सकते हैं, सामने रख सकते हैं. वो बोलने के बाद में अगर ऑनरेबल कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं श्योरिटी इज जेन्युइन, उसके बाद में श्योरिटी पास हो जाएगी. और श्योरिटी का डॉक्यूमेंट, श्योरिटी का एप्लीकेशन जब अलाउ करता है, उसके बाद में वो पर्टिकुलर फाइल विल गो टू द कोर्ट डिपार्टमेंट. कोर्ट डिपार्टमेंट में जाने के बाद में वहां पे जो है कुछ ऑफिशियल वर्क्स होता है, जैसे कि जो श्योरिटी है उन लोगों को रेशन कार्ड लाना पड़ता है. रेशन कार्ड के लास्ट पेज में स्टैम्प मारा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये जो रेशन कार्ड होल्डर है, ये श्योरिटी फलाना फलाना श्योरिटी इन फलाना फलाना केस, इन फलाना फलाना एफआईआर या इन फलाना फलाना सेशन केस, वो श्योरिटी करके खड़ा हुआ है. सो वो स्टैम्प तब तक रहेगा जब तक वो केस खत्म नहीं होता है, और जिस दिन केस खत्म हो गया तो श्योरिटी का ड्यूटी है कि वहां जाकर राशन कार्ड दिखाकर और वो जो फाइनल ऑर्डर जो जजमेंट है वो दिखाकर वो स्टैम्प जो लगा हुआ है उसको कैंसिल करे, तब तक वो रहेगा. तो वो होने के बाद में देन कोर्ट डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर ए रिलीज ऑर्डर. वो लोग रिलीज ऑर्डर टाइप करेंगे डायरेक्टिंग द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल टू रिलीज दिस पर्सन एंड टू गेट द बॉन्ड, जितने जो बॉन्ड है उसको जो सिग्नेचर करना है या कुछ डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर्स वगैरह चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट्स उन लोग उधर भेज देंगे और उनको बोलेंगे कि ये अक्यूज जो आपके जेल में है उसका सिग्नेचर वगैरह वगैरह इसमें इसमें ले लीजिए और उसको रिलीज कर दीजिए क्योंकि उसका श्योरिटी फॉर्मेलिटीज हो गया. सो नाउ द सेम प्रोसीजर, वो जो पैकेट है जेल से जो पैकेट मिलेगा वो पैकेट लेकर जाकर वही बॉक्स में डालना है, रिलीज ऑर्डर बॉक्स में जेल के बाहर जो गेट पे रखा है उसके अंदर डालना है और शाम को डाल देंगे तो दूसरा दिन मॉर्निंग सुबह 8 बजे 9 बजे तक अक्यूज जो है उसको कस्टडी से रिलीज करेंगे और जेल से बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द श्योरिटी प्रोसीडिंग्स. ये श्योरिटी प्रोसीडिंग्स जो है सेक्शन 441 ऑफ सीआरपीसी में होता है. सो नाउ विल डिस्कस of the relevant matters, surety में और क्या क्या होता है इसके बारे में next episode में मैं कहूँगा.